Assalamu alaikum everyone, hope you are all fine. Alhamdulillah, I am also fine. So today's recipe is pumpkin recipe. So start karte hain hum is recipe ko. Is recipe ke liye jo hamare ingredients rahegi wo rahegi boiled pumpkin, curd, zira, garlic, walnuts, salt और almonds. अब हम एक छन्नी लेंगे, उसके मदद से हम इस जो ये pumpkin है इसका जो smooth pulp हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम इस process को करेंगे. बाकी जो इसका प्रोसेस जो रहता है वो बहुत ही सिंपल सा है, इसी में टाइम लगता है इस प्रोसेस को करने में. बाकी ये रेसिपी बहुत ही इजी है, हर कोई अपने घर में बना सकता है इजीली. तो देखिए इस तरीके से जो है हमें स्मूथ पल्प चाहिए इस रेसिपी के लिए. अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड, और इसके बाद जो है हम इसको अच्छा सा मिक्स देंगे. एक ही पोजीशन में हमें इसको मिक्स करना है, तो अच्छी तरीके से स्मूथ जब तक ये हो जाएगा इकट्ठे होके. इस तरीके से जो ये है प्रॉपर मिक्स हुआ है. जो है अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे छोटे छोटे पीसेस में कट करके. तो कोई पेस्ट बना के ऐड करेगा तो वो भी ठीक है, बट मैंने छोटे छोटे पीस करके इसमें ऐड किया है. और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, किसी को मीठा पसंद हो वो हनी या फिर शुगर ऐड कर सकता है. तो मैं ज़्यादा हम ज़्यादा सॉल्ट ही खाते हैं तो इसलिए हमने सॉल्ट ऐड किया है इसमें. इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स देंगे. अब इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे वॉलनट्स. इन वॉलनट्स को हमने गर्म पानी में भिगो के हमने इसमें से जो छिलका होता है वो रिमूव किया हुआ था. और अब हम बहुत सारा ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें. जो इसका अरोमा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें. तो अब हम इसको सर्व करते हैं, और ये हो गई हमारी जो पम्पकिन रेसिपी है तैयार. तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.